दिल्ली से अमित मिश्रा की अहम रिपोर्ट है। आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया है, अभी भी अध्यक्ष पद की रेस में है अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। आज रात 9 बजे गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होंगे और संभवतः कल सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात हो सकती है। मुलाकात और बातचीत के बाद ही पूरी तरह से तस्वीर यहां पर साफ होगी कि अध्यक्ष पद का नामांकन करेंगे अशोक गहलोत या नहीं। लेकिन अभी लगातार खबरें इस तरह से आ रही थी कि अब इस रेस से बाहर है, अशोक गहलोत शायद नामांकन नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर खुलासा किया है, अभी भी अध्यक्ष पद की रेस में है अशोक गहलोत। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जिस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, बेहद अहम है जो एक तरफ कहा जा रहा है रेस से बाहर है, लेकिन बेहद अहम ये जानकारी जो आपकी रिपोर्ट के जरिए मिल रही है, अभी भी रेस में अशोक गहलोत बने हुए हैं, क्या माना जाए? मुलाकात के बाद ही तस्वीर साफ होगी? देखिए, थोड़ी देर पहले जब ए के एंटनी सोनिया गांधी से मिलकर निकले तो केरल हाउस गए, जो दिल्ली स्थित केरल हाउस है, वहां उनसे दो बड़े नेताओं ने बात की है, मुलाकात की है जाकर। और उनसे जो साफ तस्वीर निकलकर सामने आई, उन नेताओं ने जो संकेत दिए उससे ये साफ है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अब सबसे पहले नंबर पर हैं। और कल जब वो सोनिया गांधी से और हाईकमान से मुलाकात करेंगे, कुछ सीनियर लीडर से भी उनकी मुलाकात होनी है, उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत की जो उम्मीदवारी है उस पर कल जो बीता कल था उस पर जो सीईसी की बैठक हुई थी सोनिया गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन के लिए, उसके बाद सीडब्ल्यूसी के कुछ सदस्यों ने सोनिया गांधी से इस विषय पर चर्चा की थी। और उस चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकला था कि अशोक गहलोत को अभी चूंकि वो सबसे वफादार व्यक्ति में से माने जाते रहे हैं, उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, वो अपनी बात कहें अध्यक्ष को आकर, सोनिया गांधी को आकर, और उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय ही सोनिया गांधी का सर्वमान्य होगा। और अशोक गहलोत पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि जो भी हाईकमान कहेगा उसको वो पालन करेंगे। एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत का फॉर्मूला जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दिया जा चुका है पहले ही, और अशोक गहलोत को वो फॉर्मूला स्वीकार्य भी है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। राज्यसभा राजस्थान की गति किसको दी जाएगी, ये फैसला अंतिम रूप से स्वेच्छा कांग्रेस अध्यक्ष करेगी और उसके लिए वही अधिकृत है। ये साफ तौर से विधायकों को भी बता दिया गया है और ये साफ तौर से इसके संकेत और संदेश अशोक गहलोत को भी सीनियर नेताओं की तरफ से दे दिए गए हैं, इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत अब नहीं है। तो कुल मिलाकर नाम पर सहमति और न सहमति का अब सवाल खत्म हो गया है। जिस व्यक्ति को अध्यक्ष सोनिया गांधी चाहेंगी वो राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री होगा और उसे अशोक गहलोत का भी वरदहस्त प्राप्त होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है जहां अध्यक्ष पद के रेस में अशोक गहलोत बने हुए हैं, मुलाकात बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कल ये मुलाकात सोनिया गांधी के साथ होनी है और उसके बाद बहुत हद तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि अध्यक्ष पद का नामांकन करेंगे अशोक गहलोत या नहीं। चलिए, बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए